और देखिए बनाने वाले हैं हम लोग पनीर बनारसी स्टाइल में। चूल्हा जलाए, हांडी रखें, हांडी में तेल डाल करके अभी हम लोग लहसुन प्याज और मिर्च डाल करके लाल होने तक का वेट करेंगे। ये हम लोग का है मसाला, ये गरम मसाला है, ये नमक गरम मसाला, ये नमक, ये हल्दी और हमारे पास है ये अशोक का मीट मसाला। यहाँ हमने पनीर और आलू को काट करके रख दिया है। अब प्याज लाल जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हम लोग मसाला डाल करके अब हम लोग चला दिए। अब इसको अच्छे से भूनेंगे, जितना ज़्यादा टाइम तक भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। अभी से खुशबू आनी शुरू हो गई, वाह, मसाला हमने डाल दिया है, जो मसाला हमने आपको दिखाया था वही मसाला हमने डाला है। देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका था, अच्छे से भून लिए थे। अब उसके बाद हमने पनीर डाल दिया है, पनीर डाल के पनीर के पकने तक का हम लोग इंतज़ार करेंगे। फिर उसके बाद हमारा बनारसी स्टाइल पनीर बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना लजीज। इसमें मिट्टी की खुशबू आती है, वाओ। हमने तो कई बार ट्राई किया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका था, अच्छे से भून लिए थे। अब उसके बाद हमने पनीर डाल दिया है, पनीर डाल के पनीर के पकने तक का हम लोग इंतज़ार करेंगे। फिर उसके बाद हमारा बनारसी स्टाइल पनीर बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना लजीज। इसमें मिट्टी की खुशबू आती है, वाओ। हमने तो कई बार ट्राई किया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। देखिए भैया हमारा बनारसी स्टाइल पनीर बनके तैयार है, वाह। सुंगे बताइए देखिए कैसा है। सुंगे पहले सुंगे फिर टेस्ट करिए। बहुत बढ़िया बना है। अब हम लोग चल रहे हैं खाना खाने।